अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शाजिया। आई होप के आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। बहुत अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है रेसिपी में। आज मैं एक बना रही हूँ बहुत ही मजेदार टेस्टी और न्यू रेसिपी। आज हम बनाएंगे फ्रेंच क्रैप्स की रेसिपी। क्रैप्स बहुत टेस्टी, बहुत मजेदार बनते हैं और इजी रेसिपी है, बच्चे इसको आराम से बना सकते हैं। बच्चे भी बड़े भी सभी शौक से खाते हैं। तो हम लोग आज बनाएंगे फ्रेंच क्रीमी क्रैप्स, बहुत मजेदार टेस्टी। तो रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना है। मेरे चैनल पे नए आने वाले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑन पे सेट कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से बढ़ते हैं अपने आज की रेसिपी की तरफ। क्रैप्स बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने दूध लिया है 300 ग्राम, 300 ml मैंने दूध लिया है, मैदा लिया है मैंने 150 ग्राम। सारी मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आपको कोई भी गलत फहमी ना रहे। एक अंडा डालेंगे इसमें और 1 चम्मच शुगर का, 2 टेबलस्पून बटर के, वनीला पाउडर या वनीला एसेंस आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, और सॉल्ट डालेंगे हम 1/4 टीस्पून। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी हम एक ब्लेंडर लेंगे और ये हम बहुत इजी तरीके के साथ आपको मैं बनाना सिखाऊंगी जो कि बच्चे जो हैं वो इजीली घर पे बना सकें। ब्लेंडर के अंदर मैंने डाली है शुगर, अंडा डाला है और उसके बाद दूध डाल देंगे इसमें, और उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, 1 पिंच डाल देंगे 1/4 टीस्पून, और वनीला पाउडर डाल, मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप लोग एसेंस डाल सकते हैं। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप उसके साथ बना सकते हैं। कोई भी रेसिपी इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसके लिए परफेक्ट मेजरमेंट और डिस्क्रिप्शन में जो सारी चीज़ें होती हैं वो परफेक्ट डालनी होती हैं। तो अब मैंने इसमें बटर भी डाल दिया और अब ब्लेंडर हमारा चल रहा है, और चलते चलते में हम डाल देंगे मैदा इसमें, और मैदा डाल के मैंने बैटर को कर लिया है रेडी। बहुत ही स्मूथ सा इसका बैटर बन चुका है। ये देखिए, अब मैं इसको किसी भी आप बाउल में डाल लें या आप जग में डाल लें या जिस भी चीज़ में आप डालें। तो अब मैंने जी इसकी टॉपिंग के लिए ये मैंने चीज़ें ली हैं, चॉकलेट ली है, और उसके बाद अगर आपको फ्लेवर पसंद है, चॉकलेट का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, स्ट्रॉबेरी है, बटर क्रीम है और मिल्क पैक क्रीम है, फ्रेश क्रीम, और साथ में 2 बनाना। बनाना का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत दफ़ा बनाया, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और बहुत ही हेल्दी ये आपका ब्रेकफास्ट होगा। अगर आप एक क्रैप्स ले लेंगे तो आपको बहुत ही हेल्दी फील करेंगे आप अपने आप को। तो मेरे बच्चे जो हैं वो ईज़िली इसको खुद बना भी लेते हैं। मेरा बेटा जो है माशाल्लाह से वो हॉस्टल लाइफ पे भी रहा है और वो ख़ुद भी बना लेता है, और उसके फ्रेंड्स को भी ये रेसिपी बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने आज सोचा है कि आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं। तो बनाना हमने कट कर लिए हैं, एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और अब क्रैप जो है उसका जो बैटर होता है वो हमें उसको रेस्ट देना कुछ ज़रूरी नहीं होता। मैंने तो आपको फ्रूट वगैरह कट करके दिखाना था, तो इसलिए वैसे उसको रेस्ट नहीं देते। तो अब मैंने पैन रखा है जी, नॉनस्टिक पैन। आप इसके अंदर बनाएंगे तो ये है कि साथ चिपकेगा नहीं। तो थोड़ा सा बैटर डालेंगे, जितने बड़े आपको बनाने हैं क्रैप आप उतना बनाएंगे, और चम्मच के साथ इसको थोड़ा सा लेवल कर लेते हैं, इसका परफेक्ट जो हो जाता है इसका गोल रोटी की तरह। और आप इसका स्क्वायर शेप बनाएं, इसको गोल शेप में बनाएं, या आप इसको उसमें ट्रायंगल में बनाएं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। बैटर इसका यही होगा, हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे, ऑयली ज़्यादा नहीं करेंगे, इसको पराठे की तरह नहीं करेंगे, हल्का सा ऑयल लगाएंगे। और नॉनस्टिक पैन था तो इसके लिए या हम लकड़ी यूज़ करेंगे या हम मतलब इस पर हम लोहे की चीज़ जो है ना स्पून यूज़ तो कर लेंगे, लेकिन इससे हमारा पैन जो है ना वो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी केयर करनी चाहिए चीज़ों की। ये चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, इसलिए बी केयरफुल। आप इस पे स्पैचुला लें, आप इसके इस पे वो लें, सॉरी लकड़ी का चम्मच लें, लकड़ी का चिमटा लें, या कि सिलिकॉन का लें, तो इसके साथ
बहुत ही अच्छा जो है ना वो हम इसको अवेल कर सकते हैं चीज़ों को। चलें जी, अब ये बन चुके हैं क्रैब में सारे, तो इसको अब मैं ठंडे करने के लिए रखूँगी। थोड़े से ठंडे करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, जैसे कि हम सारे बना लेंगे और वो साथ में ठंडे हो जाएंगे और उसके बाद हम इसको फिलिंग करेंगे इसकी। तो आप लोग ये एक हेल्दी नाश्ता अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। जो आपके बच्चे फ्रूट नहीं खाते, तो मेरा ख्याल है कि एक बनाना जो है वो बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। बच्चे तो वैसे काफ़ी सारे भी खा लेते हैं, लेकिन एक बनाना हमें भी खाना चाहिए, बहुत ही हेल्दी होता है। तो चले जी, अब पहले हम इसकी फिलिंग करें, उसके बाद केले की अफादियत बाद में बताएँगे आपको। मज़ेदार से क्रेप्स हमारे रेडी हो चुके हैं। परीक्षे आप इसको देख सकती हो, प्रीशे मेरी बेटी ने फरमाइश की थी कि बड़ी मम्मा हमें क्रैप बना के दो, तो मैंने उसकी फरमाइश पे ये क्रैप बनाए हैं। तो अब मेरी बेटी ख़ुद बना के तो मुझे अपनी रेसिपी की पिक्चर जो है ना वो पोस्ट करेगी, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे से बच्चे कितना सीखते हैं। आप लोग अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आज आप ये रेसिपी बनाएं, या आपको इस तरह की आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जब मेरे व्यूवर्स मुझे कहेंगे लाइव जाने के लिए, तो मैं लाइव भी आऊँगी और लाइव आप लोगों के साथ बात भी करूँगी, और आप लोगों को जो रेसिपी कहेंगे वो मैं आप सबके साथ लाइव शेयर भी करूँगी। तो अभी तक मेरे व्यूवर्स जो हैं वो सब खामोश बैठे हैं, वो मुझे अभी तक समझ नहीं रहे। मुझे लगता है कि मुझे अभी तक मेरे जो व्यूवर्स हैं वो समझ नहीं रहे। फॉलोअर्स जो हैं वो सिर्फ मुझे देखते हैं, मेरे से कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे। क्वेश्चन करेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग क्या बनाना चाहते हैं, आप लोग क्या खाना चाहते हैं, मैं वैसी चीज़ बनाऊँगी। तो देख, आप लोग देख रहे हैं ना मैं साथ साथ फीलिंग कर रही हूँ, तो इसको बताने की तो ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो बहुत ही ईजी फीलिंग है। स्ट्रॉबेरी जैम ले लें या फ्रेश स्ट्रॉबेरी का जैम बना लें, तो वो भी बहुत मज़े का बनता है। अभी स्ट्रॉबेरी नहीं थी तो मैंने जैम का यूज़ कर लिया। तो बनाना जो है ना वो तो इसमें मस्ट डालने हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बेसिकली। तो आप लोग भी बनाना जो है वो खाया करें, अच्छे होते हैं। अब इस पे मैं क्रीम डालूंगी। आप लोगों ने सोच समझ लिया होगा ना कि ये मेरा अपना है ये मैंने खाना है, क्योंकि मुझे क्रीम भी बहुत पसंद है और उसमें बनाना और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी मैंने लगाया इसमें जैम, और ये छोटा सा जो है ना क्रैप ये मेरा है, और बाकी जो बड़े हैं वो बच्चों के हैं। बच्चे चॉकलेट खाते हैं शौक से, उनके लिए मैंने चॉकलेट डाली है। तो अब इसको हम ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे जी, चॉकलेट वाले को चॉकलेट के साथ, स्ट्रॉबेरी वाले को स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ, और क्रीम वाले को क्रीम के साथ। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत, देखें कितने हैं। अगर हम इसको ब्रेकफास्ट में या उसमें शाम की चाय के साथ बनाएंगे, मेहमानों को देंगे, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इसको हम क्रीम के साथ कर लेते हैं। इसके ऊपर अगर आपके पास फ्रेश फ्रूट है तो आप वो लगा सकते हैं, अगर फ्रेश फ्रूट नहीं है तो मेरे पास ये स्ट्रॉबेरी जेली थी, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी, मैंने इसके ऊपर वो रखी है। और इसके ऊपर हम चॉकलेट रखेंगे किंडर जो आए, ये भी बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, कुकिंग विद शाजिया। रेसिपी से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।